बिग बॉस ने पहले तो नॉमिनेटेड लड़कियों को नॉमिनेशन से बचने का एक मौका दिया और उसके बाद घर की सभी लड़कियों को लड़कों को नॉमिनेट करने का मौका दिया। जी हाँ, दरअसल बिग बॉस ने घर वालों को दिया है एक और टास्क। इस टास्क में घर के बाहर गार्डन एरिया में लगाए गए होते हैं 5 बॉक्सेस और उन पर 5 लड़कों की होती है तस्वीरें। और इस टास्क में लड़कियों को दिए जाते हैं कुछ फिश और उन्हें इस टास्क में अपनी फिश 5 लड़कों में से किसी को भी देनी है और जिस लड़के के पास ज्यादा मछलियाँ होंगी वो लड़का इविक्शन के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। जी हाँ, इस टास्क में लड़के भी अपने पास आई मछलियों को निकाल कर दूसरे के डब्बे में डाल सकते हैं और इस टास्क में लड़कियां डिस्कस करती हुई नजर आती हैं कि उन्हें किसे मछलियां देनी चाहिए। शेफाली बग्गा ये ट्राई करती हैं कि वो सिद्धार्थ डे को सेव करे। शहनाज भी बाकी लड़कियों के साथ इसे लेकर कन्वर्सेशन करती है और बताती है कि शेफाली का पारस के साथ अब काफी अच्छा बॉन्ड बन गया है, मुझे लगता है वो उसे सेव करेगी। तो दलजीत उन्हें क्लियर कर देती है कि शेफाली बग्गा सिद्धार्थ डे को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। तो वही लड़की भी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हुए नजर आते हैं। कोयना मित्रा शहनाज को कहती है कि यहाँ पर मछलियाँ उसे दो जो सबसे वीक हो, उसे नहीं जो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि गेम फेयर हो जाए। और यहाँ पर शहनाज कोयना की बात सुनने के बाद करती अपनी मन की और कहती है कि मैं अपनी मछलियाँ दूंगी उस इंसान को जो सबसे ज्यादा स्मार्ट है और वो अपनी मछलियाँ दे देती है पारस छाबरा को। और यहाँ पर मोस्टली लड़कियाँ सिद्धार्थ शुक्ला को करती है टारगेट और माहिरा हो या फिर शैफाली, ये सभी अपनी मछलियाँ सिद्धार्थ शुक्ला के डब्बे डालती है और सिद्धार्थ शुक्ला अपनी टोकरी से मछलियाँ निकाल कर डाल देते हैं सिद्धार्थ डे के डब्बे और कहते हैं तेरा तुझी को अर्पण। और इस तरीके से ये टास्क काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इसी तरह से बिग बॉस के स्टेरे सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।